वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं आप लोग कि इसमें कैसे ये गाड़ी पूरा फुल धुआं दे रही है, यानी वाइट स्मोक दे रही है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं दूर, थोड़ा गाड़ी को बैक कर लेते हैं, सही से लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं गाड़ी फुल स्मोक दे रही है, धुआँ दे रही है। और ये क्यों धुआँ दे रही है, क्यों स्मोक इतना दे रही है, तो ये सफ़ेद धुआँ यानी वाइट स्मोक देने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले गाड़ी को बंद कर लेते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे और नए वीडियो आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, टर्बो पाइप को खोल लेते हैं, टर्बो पाइप को खोल कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तो ही आप लोगों को पता चलेगा किस में फॉल्ट है, क्या तकलीफ़ है। कि वाइट स्मोक जब आता है और गाड़ी हमारा देता है वाइट स्मोक, तो कभी कभी क्या होता है टर्बो हमारा फेल हो जाता है। यानी टर्बो फेल होता है तो वो क्या करता है, ऑयल उठाता है और ऑयल को पूरा खाली करने चालू कर देता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं इंजेक्टर पर यानी नोजल पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्टर लाइन खोल लेता हूँ, यानी नोजल पाइप, नोजल लाइन जो आता है हमारा उसको खोल लेता हूँ। ये BS3 गाड़ी है, BS3 गाड़ी है और ये काफ़ी वाइट स्मोक देखा आपने कैसे दिया, सफ़ेद धुआँ एकदम दे रहा है, बहुत ज़्यादा दे रहा है। और इसको चालू करके देख रहे हैं कि हवा ऊपर दे रहा है कि नहीं। क्या होता है कि आइडल में जब हमारा गाड़ी रहता है तो इसमें हवा नहीं आता है तो प्रॉब्लम आपको बहुत हो सकता है, पिकअप दबने लगेगी गाड़ी आपकी। तो उसमें हवा भी आ रहा है, सही है। अब चलते हैं, नोजल लाइनें ढीली करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम मिलता है हमको और फॉल्ट हमको पता चलता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इंजेक्टर लाइन यानी नोजल लाइन को ढीला कर रहा हूँ नोजल पाइप पे, और इसको चेक कर लेता हूँ चालू करके पहले कि हमारा गाड़ी में प्रॉब्लम नोजल से है या किस से है। तो चलिए इसको मैंने ढीला कर दिया यानी खोल दिया हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि BS3 गाड़ी में 5 ही नोजल पाइपें खुल पाती है, यानी इंजेक्टर पाइप 5 ही खुल पाती है। एक अपना जो इंग्लैंड पाइप होता है इंटरकूलर से, हमारा इंग्लैंड पाइप हेड पे जो लगता है उसके कारण एक पाइप खुल नहीं पाता है। तो इसके लिए 5 ही को खोलेंगे और उसको चेक करेंगे चालू करके कि किस नोजल से हमारा यानी इंजेक्टर से प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने देखा कंप्रेसर का जो हमारा पाइप था उसको मैंने खोला, उसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखा, कोई तकलीफ़ नहीं दिखा। अब यहाँ पे पूरी इंजेक्टर लाइनें खोलकर देखते हैं कि हमारा कौन सा इंजेक्टर फेल है या कौन सा इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हैं डीजल हमारा सही आ रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। जो कि हमारा 3 नंबर जो नोजल है वो डीजल कम्प्लीटली नहीं दे रहा है। तो इसको देखते हैं फिर से चालू करके कि क्या प्रॉब्लम इसमें मिलता है हमको। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है 3 नंबर इंजेक्टर जो है नोजल है उसमें डीजल भी आ रहा है और उसमें गैस भी आ रहा है, जो कि गैस भी फेंक रहा है। तो कम्प्लीटली इसको आपको दिखाते हैं किस वजह से ये गैस आ रहा है, क्यों आ रहा है गैस। चलिए फिर से एक बार चालू कर लेते हैं, चालू करके आपको दिखाते हैं। तो गैस भी आ रहा है इसके अंदर से और डीजल भी आ रहा है। तो ये नोजल में फ्रेंड ये प्रॉब्लम होगा कि इसमें जो नोजल है यानी इंजेक्टर वो अंदर से क्रैक हो चुका है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है और धुआं दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रैक होता है इसके लिए। चलिए इसको देखते हैं, नोजल जब हमने इंजेक्टर लाइन ढीली की तो धुआं यहाँ पे देख सकते हैं कम हो चुका है। तो क्योंकि ये गैस जो है बाहर फेंक रहा है इंजेक्टर से, हमारा नोजल लाइन से बाहर फेंक रहा है, तो इसके लिए कम हो रहा है। और जब उसको हम लोग फिर से फेस करेंगे यानी फुल फेस करेंगे तो ये धुआं फिर से चालू हो जाएगा, यानी कंप्रेसर जो है इसका वीक कर रहा है तो धुआं नहीं दे रहा है। जो कि डीजल है जो बाहर हमारा फेंक रहा है, कंप्रेसर बाहर फेंक रहा है इसका, तो ये नहीं दे रहा है। अब चलिए फिर से देखते हैं, धुआं भी हमने फेस कर दिया, अच्छे तरीके से फेस कर दिया है 3 नंबर नोजल पाइप को। अब चलते हैं इसको देखते हैं धुआँ दे रहा है कि नहीं। अब ये देख सकते हैं फिर से धुआँ देना चालू हो गया। तो इस तरह से आप लोग कौन सा इंजेक्टर यानी कौन सा नोजल फेल है, अगर एक नोजल जानकारी करना है तो इस तरीके से आप लोग चालू करके देख सकते हैं, नोजल लाइनें ढीली करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम ये नोजल पाइपें जो है नोजल लाइन इसको हम फिर से ढीली करते हैं यानी खोलते हैं और फिर चेक करते हैं फिर धुआं आ रहा है कि नहीं।
तो मैंने दिखाया कि नोजल लाइन हमारा ढीला था, यानी इंजेक्टर लाइन जब हमारा ढीला था तो धुआँ बंद हो गया था, और फिर से हमने फेस किया, पूरा फेस कर दिया तो फिर से चालू हो गया था धुआँ, जो कंप्रेसर जब वीक हो रहा था। नोजल लाइन यानी इंजेक्टर लाइन जब हमने ढीली की, इसकी चाकी जब ढीली की तो हमारा कंप्रेसर वीक हुआ और उसके कारण धुआँ बंद हो गया, और जब हमने उसको फेस किया, पूरी अच्छे तरीके से फेस किया, तो फिर से धुआँ चालू हो गया। चलिए फिर से ढीली कर दी हमने, अब फिर से चेक कर देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको कि ये धुआँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे धुआँ दे रहा है, अभी क्या करेंगे फ्रेंड, एक इंजेक्टर हमारे पास है तो उसको डालकर और दिखाते हैं आपको, पूरी कंप्लीट गाड़ी चालू करके दिखाते हैं। अगर आपके पास छः है तो छः भी डाल के आप लोग चालू कर सकते हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल में एक है तो एक ही को हम लोग डालेंगे और एक को चालू कर देंगे उसको। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट था, क्या तकलीफ़ था, क्या प्रॉब्लम था, नहीं तो ये स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इससे पहले क्या करता हूँ, टैपिट कवर को खोल लेता हूँ, जो कि आप लोगों को पता है कि टैपिट कवर को खोलना ही पड़ेगा, BS3 गाड़ी है तो उसको खोलना ही पड़ेगा टैपिट कवर को। अब उसको मैं खोल कर निकालता हूँ, इंजेक्टर को यानी नोजल को बाहर निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसे क्रैक हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड, अगर नोजल हमारा इंजेक्टर क्रैक होता है तो बहुत सा प्रॉब्लम मिला है कि गाड़ी भी चालू नहीं होता है, और इसमें तो ऐसा हुआ है कि गाड़ी भी चालू हुआ है मगर धुआँ, फुल धुआँ, गाड़ी भी चालू हुआ फ्रेंड, कोई तकलीफ नहीं हुआ मगर फुल धुआँ दे रहा है। तो इसका बहुत रीज़न होता है कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है कि कभी पंप से भी होता है, और इस ज़्यादातर कंप्रेसर पर हमारा ध्यान जाता है कि कंप्रेसर जो है हमारा डब पे हमारा ध्यान जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि कंप्रेसर कभी कभी कंप्रेसर से भी होता है, मगर कंप्रेसर से जब होता है फ्रेंड तो उसमें क्या होता है कि आयल ख़त्म कर देती है, चैम्बर ही खाली होने लगता है, क्योंकि आयल खाने का उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जब आयल जलता है तो ही धुआँ फेंकता है, साइलेंसर द्वारा फेंकने लगता है धुआँ। तो इसमें आयल का भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को दिखाया कंप्रेसर पाइप जो है वो भी दिखाया मैंने खोल कर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या फ्रेंड कि 3 नंबर नोजल को यानी इंजेक्टर को खोलेंगे, बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि इंजेक्टर लाइन से, इंजेक्टर से क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल कर इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया कि किस तरह से धुआं दे रहा था और कैसे चालू हो रहा था फिर बंद हो जा रहा था। तो उस तरह से आप लोग भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, टर्बो से नहीं दिखता है, तो सीधा से आपको क्या करना है, 5 नोजल लाइनें ढीली करनी है, और ढीली करके उसको चेक कर लेना है, देख लेना है कि कौन सा नोजल लाइन से हमारा इंजेक्टर लाइन से ये धुआँ यानी कंप्रेसर वीक हो रहा है और धुआँ बंद हो रहा है। तो मैंने भी इस पर पहले भी बताया आप लोगों को, वीडियो बनाया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड दिख नहीं रहा है, कम्प्लीटली पूरा दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग, आपको इसमें दिख जाए, आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको कपड़ा से साफ़ कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड इसमें दिख नहीं रहा है, मगर ये फ्रेंड क्या हुआ है, दोनों तरफ से क्रैक हो चुका है। अगर गाड़ी अगर ज़्यादा दूर जाती, अगर ज़्यादा चलती, तो ये इंजेक्टर हमारा क्या होता कि फट जाता, यानी पूरा क्रैक हो जाता। इसको ज़्यादा दूर चली नहीं है और ये हमारे को फोल्ड मिल गया और दिख गया। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें एक इंजेक्टर डालेंगे, अभी हमारे पास एक है तो एक ही डालेंगे, और एक को डालकर चेक करके आपको दिखाते हैं चालू करके गाड़ी को कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और सही हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों को मिल गया, यहाँ पर पता चल गया आप लोगों को, और हमें भी पता चल गया कि इसमें इंजेक्टर से ही प्रॉब्लम था, जो कि नोजल से प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम है इसमें। तो इस एक ही डालेंगे इसमें और चालू गाड़ी करके आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी आगे से ऐसा प्रॉब्लम हो आपके पास, ऐसा प्रॉब्लम आता है आपके पास, अगर शिकायत आती है, ताकि आप लोग भी इससे प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो चलिए दूसरा डालते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी फ्रेंड हमने एक इंजेक्टर ले लिया है, अब एक इंजेक्टर को हम लोग डालते हैं इसके अंदर और फिर गाड़ी को चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नया इंजेक्टर है, एक इंजेक्टर डालते हैं और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वाइसर को रख लेते हैं और इसमें ग्रीस थोड़ा लगा लेते हैं, और ग्रीस लगा कर ही वाइसर लगाएंगे, ताकि हमारा वाइसर गिरे नहीं
अगर वाइसर पे ग्रीस थोड़ा नहीं रहता है तो क्या होता है, वाइसर गिर जाता है और उसमें तकलीफ़ भी आता है। तभी चलिए इसको लगा लेते हैं। और फ्रेंड इसमें एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर ये नोजल आप लोग इंजेक्टर फिट कर रहे हैं तो इसके अंदर देख ले कचड़ा तो नहीं है, डबल वाइसर तो नहीं है। डबल वाइसर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर अगर थोड़ा भी इसमें कचड़ा होगा तो आपको टंकी में, जो हमारा डीजल टंकी है उसमें आपको क्या होगा, गैस आने लगेगा, यानी धुआं उसमें भी दिखने लगेगा आपको। ये ध्यान रखना आपको। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ये नोजल लाइन नोजल फिट कर रहे हैं यानी इंजेक्टर फिट कर रहे हैं तो उसमें ध्यान देना कि कचरा ना हो। कचरा होगा अगर थोड़ा भी कोई चीज़ का रेती या कचरा होगा तो उससे क्या होगा, आपके जो डीजल टंकी उसमें गैस आने लगेगा, यानी उसमें भी धुआं रिटर्न होने लगेगा। क्योंकि हमारे पास ये फॉल्ट आया है और हम लोगों को पता चला, तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपके पास भी ऐसा फॉल्ट हो तो यहाँ पर पहुँच जाए इंजेक्टर पर और इंजेक्टर खोल के भी देख ले कि वहाँ पर कचरा है कि नहीं है। तो ये ध्यान देना है आपको। BS3 गाड़ी में ये प्रॉब्लम हमारे पास आ चुका है और एक गाड़ियों में नहीं, कई गाड़ियों में आया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखा आपने कि हमने नोजल को यानी इंजेक्टर को हेड के अंदर फिट कर रहे हैं, फिट करके और कम्प्लीटली इसका पैड भी लगा देंगे। नोजल पैड जो आता है उसको भी लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए इसको हम लोग अब 8 नंबर का इसमें बॉक्स लगाते हैं और इसको अच्छे से फेस कर लेते हैं। फेस करने के बाद टेपिट कवर लगाएंगे, नोजल लाइनें डेली चालू फेस करेंगे और उसके बाद ही गाड़ी को चालू करेंगे। तो यहाँ पर टेपिट कवर भी लगा लेते हैं। ये BS3 का प्रॉब्लम फ्रेंड आ रहा है, BS2 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है हमारे पास और ज़्यादातर BS3 में ही प्रॉब्लम आया हुआ है। हमने टेपिट कवर कंप्लीट कर लिया है और ये सारी लाइनें जो आती है ये सब हमने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद चलते एयर निकालते हैं और एयर निकालने के बाद गाड़ी को कम्प्लीटली चालू कर लेते हैं और चालू करके दिखाते हैं आपको कि प्रॉब्लम दूर हुआ यानी सोल्यूशन दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एयर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये रोटरी पंप जो आता है हमारा उसमें पहले करंट आता है। सादे पंपों में एयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गाड़ी चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो कि सादे पंप में क्या होता था कि रिटर्न जो आता है रिटर्न से हमारा निकल जाता था, गाड़ी उसमें चालू करके एयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जब से रोटरी पंप आया है उसमें हमको गाड़ी चालू करके इंजेक्टर लाइन यानी नोजल लाइन ढीली करके तो ही हमको एयर निकालना पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग कम्प्लीटली ये करके और दिखाएंगे आपको कि ताकि इसमें आप लोगों को पता चले कि सच में प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं हुआ, सच में ऐसा प्रॉब्लम था कि नहीं था, प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का यही सोल्यूशन है, हमारे वीडियो बनाने का कारण यही है फ्रेंड, ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली पता चले। और कभी भी ऐसा भविष्य में आपके पास प्रॉब्लम आता है, कभी भी आता है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फटाफट आप लोग कर सकें, क्योंकि उसमें तकलीफ़ ना आप लोगों को फंसने का चांस ना हो। क्योंकि पंप खोले कि क्या खोले इसमें तकलीफ़ हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाने का हमारा कारण यही है कि आप लोगों के पास ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा दिक्कतें आपके पास ना आए। तो ये हमारा जो कम्प्लीटली हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे, चालू करके आपको दिखाएंगे कि धुआं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि धुआं एकदम से बंद यानी कम्प्लीटली धुआं कम हो गया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम था ही फ्रेंड, इंजेक्टर से हमारा प्रॉब्लम था यानी नोजल से प्रॉब्लम था, तो ये धुआं ज़्यादा दे रहा था आपने देखा और अभी ये कम हो गया धुआं यानी बंद ही हो गया धुआं। तो इस तरह से आप लोग ये प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। आपको अगर फ्रेंड आप लोगों के पास प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से आप लोग चेक करके देख लेना है, इंजेक्टर लाइन यानी नोजल लाइन ढीली करके देख लेना है कि धुआं हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ, बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। तो इस तरह से आप लोगों के पास बहुत जल्द पता चल जाएगा, प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। तो ये BS3 गाड़ियों में ज़्यादातर आया हुआ है, BS2 में प्रॉब्लम होता है फ्रेंड धुआं देने का। कब होता है? जब हमारा इंजेक्टर यानी नोजल ड्रॉप होने लगता है यानी डायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीलेटर को मैं दबाता हूँ, फुल एक्सीलेटर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ फुल एक्सीलेटर देने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं धुआँ हो गया बंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो लेकर